हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आप डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इससे पहले हमने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कंप्लीट किया है, जिसमें यूनाइटेड नेशन के एक ऑर्गन, सिक्स ऑर्गन है, उनके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले केल्सन ने कहा था कि मेन पर्पस क्या है यूएनओ का, इस्टाब्लिश करना वर्ल्ड पीस, विश्व शांति को बनाए रखना, ठीक है। और एक डिक्लेरेशन हुई थी 1941 में, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स फेल्स, ठीक है, उन्होंने एक डिक्लेरेशन की थी जिसमें उन्होंने कहा था, जिसमें उस डिक्लेरेशन में रिप्रेजेंटेटिव आए थे सेवरल कंट्री के, ठीक है, अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने साइन करी एक डिक्लेरेशन, उसे हम लंदन डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अटलांटिक चार्टर अगस्त 1941 में जो है साइन हुआ, ठीक है, और उसको साइन किसने किया, मीटिंग हुई पीएम, ठीक है, ब्रिटिश पीएम चर्चिल की और यूएसए के प्रेसिडेंट रूसवेल्ट, उनके द्वारा जो है एक मीटिंग हुई, ठीक है। और उसमें उस मीटिंग को में डिसाइड करा गया था या बनाया गया था अटलांटिक चार्टर, ठीक है। उसके बाद 1942 जनवरी को, ठीक है, जनवरी 1942 को यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन हुआ वॉशिंगटन, ठीक है। उस टाइम 26 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट टाइम जब यूनाइटेड नेशन की बात करी गई थी कि यूनाइटेड नेशन एक संयुक्त राष्ट्र एक डिक्लेरेशन बनाना चाहिए, मतलब संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो कि विश्व स्तर पर होगा, एक यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक विश्व, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो वर्ड आपका यूनाइटेड नेशन वर्ड यूज करा गया था, ठीक है, तो वो कब किया था, तो उसी टाइम की 1 जनवरी 1942 में ही, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को या उस जो एक चार्टर बनाया था उसको नाम क्या दिया गया, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ कि एल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, 1945 को फेब्रवरी में एल्टा कॉन्फ्रेंस में किस किस के बीच में हुआ था, तो ब्रिटेन, यूएसए, ठीक है, यूएसए के द्वारा जो है वो एक यल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये बोला गया कि हम क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन बनाएंगे और उसमें लगभग 50 नेशंस को बुलाएंगे, ठीक है, मतलब बुलाया जाएगा तो यूएन को, ठीक है। और 25 अप्रैल 1945 को ये चार्टर आपका प्रिपेयर करा गया था। फिर जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, और 25 अप्रैल 1945 से लेकर 25 जून 1945 तक जो है वो ये आपकी एक मीटिंग्स होती रही और अटेंड करी ये मीटिंग 51 नेशन कंट्रीज ने, ठीक है, 51 नेशन कंट्रीज ने लगातार जो है वो ये मीटिंग्स वगैरह अटेंड करी। और फाइनल शेप कब दिया गया, ठीक है, इस चार्टर में चार्टर एंड स्टैट्यू ऑफ आईसीजे को भी इसमें इंक्लूड किया गया, और 26 जून 1945 को 50 नेशंस ने, यानी कि 50 नेशन ने साइन कर दिया यूनाइटेड नेशन चार्टर को, ठीक है। और आपका 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है वो कम इंटू फोर्स में आ गया, ठीक है। बात करते हैं सबसे फर्स्ट आर्टिकल की, तो सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे। यूएनओ का आर्टिकल फर्स्ट जो है उसमें बताया गया है कि पर्पस क्या है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। और आर्टिकल फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्लॉज 1 में बोला है कि मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और डेवलप करना इंटरनेशनल रिलेशन अमंग, फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ लॉ हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड अंडर आर्टिकल फर्स्ट क्लॉज 2, आर्टिकल 55, आर्टिकल 55, ये सब जो है इसके एम बताए कि सबसे पहले पर्पस, मेन पर्पस क्या है, डेवलप करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सेकेंड क्या है कि डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, ठीक है। और ये बोला कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ लॉ भी क्या करना, इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है, और अचीव करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन ताकि सॉल्व किया जा सके जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम आ रही है, डिस्प्यूट आ रहा है, तो उसको पीसफुल तरीके से सेटल किया जा सके, ठीक है। आर्टिकल सेकेंड में बोला, ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट में बोला है प्रिंसिपल
पर्पस बताया था आर्टिकल सेकंड में, प्रिंसिपल बताया यूनाइटेड नेशन की. आर्टिकल सेकंड पैरा वन में बोला प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी, ठीक है, कि संप्रभु समानता का सिद्धांत. पैरा टू में बोला कि हम फुलफिल करेंगे जो भी ऑब्लिगेशन हो रही है, मतलब ऑब्लिगेशन होती है जो भी हमारी, टाइम टू टाइम जितने भी दायित्व रहते हैं उसको गुड फेथ में उसको फुलफिल करेंगे. पैरा थ्री में बोला कि हम पीसफुल सेटल करेंगे जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा, हम उसको पीसफुल बिल्कुल तरीके से हम सेटल करेंगे. उस दिन भी हमने इंटरनेशनल लॉ के एक सेशन में डिस्कस किया था कि पीसफुल सेटलमेंट किस तरह से हो सकता है. तो मेडिएशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पीसफुल सेटल कर सकते हैं. तो ये आर्टिकल सेकेंड में बताया. आर्टिकल सेकेंड क्लॉज फोर में या पैरा फोर में बोला नॉन यूज ऑफ फोर्स, कि हम फोर्स का यूज नहीं करेंगे एकदम से, जब जरूरत पड़ेगी तभी हम फोर्स का यूज करेंगे. पार्ट फाइव में बोला कि पैरा फाइव में कि असिस्टेंट करेंगे हम, मतलब सहायक होंगे हम यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, असिस्टेंट टू द यूनाइटेड नेशन. पैरा सिक्स में बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉन मेंबर, ठीक है, कि जो नॉन मेंबर स्टेट हैं उनके प्रति भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, ठीक है. और पैरा सेवन में बोला कि नॉन इंटरवेंशन इन द डोमेस्टिक मैटर ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि किसी भी स्टेट के डोमेस्टिक मैटर में, मतलब अपने कंट्री के अलग अलग मैटर हो सकते हैं, उसमें हम डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है. आर्टिकल थ्री एंड फोर में ये बोला, आर्टिकल थ्री में बोला ओरिजिनल मेंबर के बारे में, ओरिजिनल मीन कि जब हमारा यूनाइटेड नेशन बनाया गया था उस टाइम ओरिजिनल मेंबर कितने थे उनके बारे में आर्टिकल थ्री में बताया गया. सब्सिक्वेंट मेंबर मीन दोबारा से जब वो ऐड हुए, ठीक है, उनके बारे में सेक्शन आर्टिकल फोर में बोला गया है. आर्टिकल फाइव एंड सिक्स में सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन की बात करी गई है. आर्टिकल सेवन में बोला गया है देर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गन होते हैं, कुछ एक प्रिंसिपल होते हैं, कुछ एक सब्सिडरी ऑर्गन होते हैं जो कि सहायक ऑर्गन होते हैं, ठीक है. और जो सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन है हमारे, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरी, ठीक है. तो जनरल असेंबली बताया गया है चैप्टर नंबर फोर आर्टिकल 9 से लेकर 22 में, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 23 से लेकर 32 में बोला गया है चैप्टर नंबर 4 और 5. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल चैप्टर नंबर 10, ठीक है, आर्टिकल 61 से लेकर 72 आर्टिकल. फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल है चैप्टर नंबर 13 आर्टिकल 86 से लेकर 91, ठीक है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बोला गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्टिकल 92 से लेकर 96, सेक्रेटरेट आर्टिकल 97 से लेकर 101, ठीक है. आर्टिकल 9 में कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली की बात करी गई है, उसको हम फर्दर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. आर्टिकल 17 में बजट की बात करी गई है और आर्टिकल 23 में कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, कि सिक्योरिटी काउंसिल का किस तरह से कंपोजिशन होएगा, ठीक है, कि 15 मेंबर होंगे, कुछ परमानेंट होंगे, कुछ नॉन परमानेंट होंगे, ठीक है, ये सब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. आर्टिकल 24 में बोला गया है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूनाइटेड नेशन की, मेंटेन करना पीस एंड सिक्योरिटी को, जो है वो मेंटेन करना, बिल्कुल शांति को बनाए रखना, है ना. और आर्टिकल 27 क्लॉज 3 में वीटो पावर के बारे में बोला गया है कि एनी मैटर अदर देन अ प्रोसीजर मैटर, प्रोसीजर मैटर के अलावा बाकी सभी मामलों में क्या है, वीटो पावर है. आर्टिकल 33 से लेकर 38, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात करी गई है, वही कि हम बिल्कुल नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन और मेडिएशन के माध्यम से पीसफुल सेटलमेंट करेंगे. आर्टिकल 39 से लेकर 51 में बोला है कि एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट एंड और ब्रीच पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन, की हम धमकी या शांति को भंग करने और आक्रामकता की कृत्यों से संबंध में जो है कार्यवाही करेंगे, ठीक है. आर्टिकल 40 में बताया है प्रोविजनल मेजर्स, ठीक है. और आर्टिकल 41 में बोला कि आप ना एकदम से, मतलब कुछ भी हो जाता है तो आप यूज नहीं करोगे आर्म फोर्सेस को, एकदम से नहीं करोगे, जैसे कि आप कुछ क्या करो कि जो हमारे कमर्शियल रिलेशन है आप उनको बंद कर सकते हो, कुछ और तरीका अपना सकते हो, पीसफुल सेटलमेंट कर सकते हो, एकदम से आपको जो है वो आर्म फोर्सेस का यूज नहीं करना, यूज ऑफ इंटरप्शन अदर देन आर्म फोर्सेस की यहाँ पर बात करी गई है. 42 में बोला यूज ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है, कि आप यूज कर सकते हो आर्म फोर्सेस का, कि जहां पर 41 आपका अप्लाई नहीं होता, जहां पर हमने बात करी ना 41 में एग्जांपल दिया गया है, कुछ कंप्लीट एंड पार्शियल इंटरप्शन कर सकते हो आप, इकोनॉमिक रिलेशन एंड जैसे कि रेल, सी और एयर, रेडियो, ये सब आप कम्युनिकेशन वगैरह बंद कर सकते हो, यानी कि इकोनॉमिक जितने भी रिलेशन है, फाइनेंशियल रिलेशन जितने भी, उस तरीके से भी अपने
क्या कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये काम नहीं कर रहा है तो आप 42 में जाके आर्टिकल 42 में यूज करेंगे आर्म्ड फोर्सेस को, ठीक है। आर्टिकल 51 में ये बोला कि सेल्फ डिफेंस, ठीक है, मिलिट्री एंड पैरा मिलिट्री एक्टिविटी केस 1986, और आर्टिकल 52 में बोला रीजनल अरेंजमेंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए साक और एशियन, ठीक है, कि आप क्या करोगे, कुछ एक रीजनल अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। आर्टिकल 61 में इको सॉक की बात करी कि इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन करेंगे, 54 मेंबर कंट्रीज होंगी, 3 ईयर के लिए वो अपॉइंट किए जाएंगे। 86 में कंपोजिशन होगी ट्रस्टीशिप काउंसिल की, ठीक है, और 92 में आईसीजे इज अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन रहेगा, ठीक है, कि आईसीजे के बारे में, जो कि आईसीजे क्या है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। 93 में बात करी गई है इसकी मेंबरशिप की, ठीक है। 94 में इन्फोर्समेंट ऑफ जजमेंट बाय द सिक्योरिटी काउंसिल की बात करी गई है। 96 में एडवाइजरी ओपिनियन कि आईसीजे को, आईसीजे जो है वो क्या कर सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मेंबर होते हैं, यानी कि जज जज होंगे, ठीक है, वो अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं किसको, जो कोई स्पेशलाइज एजेंसी होगी या जनरल असेंबली होगी, ठीक है, उसको वो ओपिनियन दे सकते हैं। 97 में सिक्योरिटी सॉरी सेक्रेटरी जनरल इन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएनओ की बात, इस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएनओ की बात करी गई। यहाँ पर बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, यूएन जो सेक्रेटरी होएगा, महासचिव होएगा, वो यूएनओ का एडमिनिस्ट्रेटर होएगा, ठीक है। आर्टिकल 102 रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटीज की बात करी गई, ठीक है, और साथ ही साथ सुपरमेसी ऑफ चार्टर आर्टिकल 103 में बात करी गई है। आर्टिकल 104 में लीगल कैपेसिटी ऑफ यूएनओ की बात करी गई, ठीक है। आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी पैरा पैरीमेट ठीक है मटेरियल टू द आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 108 अमेंडमेंट की बात करी गई, ठीक है, और टोटल अमेंडमेंट कितनी सॉरी टोटल आर्टिकल 111 है, और टोटल टेक्स ऑफ यूएनओ की 5 लैंग्वेज है कि आप 5 लैंग्वेज में ठीक है यूएनओ का टेक्स, चाइनीज टेक्स्ट यानी कि भाषा जो लिखित भाषा है, उन भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो 5 लैंग्वेज का यूज करा गया है, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश, ठीक है। बात करते हैं जनरल असेंबली के बारे में, हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 9 से लेकर 22 में जनरल असेंबली की बात करी गई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एक वर्क जनरल असेंबली के जो कि 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट है आपका सम वर्क, कुछ वर्क जो है ऐसे हैं विच आर डन इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली तरीके से क्या किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, और सम वर्क कुछ ऐसे हैं जो कि विच आर नॉट रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से जो है किए जाते हैं, यानी कि कुछ में जनरल असेंबली के पास बिल्कुल पावर है, वो अकेली ही जनरल असेंबली क्या कर सकती है, उन काम को कर सकती है, और कुछ केस कुछ कामों के लिए जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे काम है जहां पर जनरल असेंबली खुद ब खुद काम कर सकती है, इंडिपेंडेंटली होकर काम कर सकती है। यदि बोला आर्टिकल 7 में बोला कि पास करना होगा यदि आपको बजट को, तो आप क्या कर सकते हो, जनरल असेंबली को फुल पावर देगी कि आप बजट को पास कर सकते हो। और बोला कि और जितने भी मेंबर है इकोसॉक के, 54 मेंबर है, वो यदि इलेक्ट करने होंगे, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्ट करने होंगे, जनरल असेंबली कर सकती है, ठीक है। और आर्टिकल 61 में ये दिया गया है, ठीक है, जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, ठीक है। फिर थर्ड का क्या काम कर सकती है, तो अपॉइंटमेंट कर सकती है जजेस की, ठीक है, ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, थ्रू द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, और इसमें यदि सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो वो भी क्या पार्टिसिपेट कर सकती है इलेक्शन ऑफ द जजेस में, ठीक है। आर्टिकल 4 ऑफ द स्टैट्यू, जैसे कि आर्टिकल 4 में बोला कि यदि आपको सब्सिक्वेंट मेंबर ऐड करने होंगे तो वो भी आप कर सकते हो, तो जनरल असेंबली के पास बिल्कुल पावर है। अदर ऑर्गन जैसे कि एक्सेप्ट द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल आर स्पेशलाइज एजेंसी, जो कि क्या कर सकती है, जिसको अथॉरिटी दी जाती है जनरल असेंबली के द्वारा, वो एडवाइजरी ओपिनियन भी ले सकते हैं किससे, आईसीजे से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, आर्टिकल 96 से लेकर आर्टिकल 96 क्लॉज 2 में दिया गया कि कुछ एक अदर ऑर्गन जैसे कि स्पेशलाइज एजेंसी हो गई, कोई एजेंसी जिसको कि ऑथराइज किया है जनरल असेंबली ने, कि आप क्या कर सकते हो, एडवाइजरी ओपिनियन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्क बताए, ठीक है, जहां पर रिकमेंडेशन चाहिए होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, कौन कौन सा, आर्टिकल 4 में बोला कि एडमिशन करना होगा यदि आपको न्यू स्टेट को, न्यू मेंबर को, ठीक है, यानी कि न्यू स्टेट मेंबर को, ठीक है, तो आप आर्टिकल 4 में एडमिशन कर सकते हो न्यू मेंबर की।
सस्पेंशन ऑफ मेंबर की सदस्य का निलंबन जो है वो कर सकते हैं आर्टिकल 5 में बताया। आर्टिकल 6 में बोला एक्सपल्शन ऑफ मेंबर, ठीक है, यदि आपको सदस्य का निष्कासन करना है तो आर्टिकल 6 में आके कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर क्या चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन चाहिए जनरल असेंबली को। यदि अपॉइंटमेंट करना है किसका, सेक्रेटरी जनरल का, तो भी आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से कर सकते हो, ठीक है। और ये बोला कि कुछ एक सर्टेन एक्सपेंसेस की बात करेगी यूनाइटेड नेशन की, कि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि कुछ एक यूनाइटेड नेशन के खर्चे भी है, ठीक है। तो जनरल असेंबली ने पास किया यूनिटिंग ऑफ फॉर पीस, ठीक है, एक रेजोल्यूशन कब पास किया गया था, तो 3 नवंबर 1950 को जो है वो पास किया था, इन केस ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस। यहाँ पर कुछ एक एक्सपेंसेस बताए थे ऑफ यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, कि आईसीजे ने भी क्या करा, उन एक्सपेंसेस को अप्रूवल दे दिया, कि वैलिडिटी ऑफ यूनिटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन को जो है वो अप्रूवल दे दिया। लिटिल असेंबली भी होती है, तो लिटिल असेंबली जो है वो क्रिएट की जाती है किसके द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा अंडर आर्टिकल 22 में, और अंडर अंडर दिस आर्टिकल जनरल असेंबली एस्टैब्लिश करी जाती है इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ठीक है। यहां पर बोला आर्टिकल 22 के तहत जो है वो एक जनरल असेंबली का निर्माण किया जाता है, और इस अनुच्छेद के तहत हम क्या करेंगे, एक जनरल असेंबली एस्टैब्लिश करेंगे, कौन करेगा, इंटरनेशनल लॉ कमीशन करेगा, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लॉ कमीशन के द्वारा जो है वो किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अलग अलग से देखो कि यूनाइटेड नेशन को यदि क्या करना है, कमीशन बनाना, अलग अलग से कमीशन बनाना है, जैसे कि आपका कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी, ठीक है, तो हम उसको लिटिल असेंबली कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि सेकेंड ऑर्गन है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कहां पर बताया गया है, कि 23 से लेकर 32 तक बताया गया, आर्टिकल 33 से लेकर 32 तक। यहां पर सीट ऑफ परमानेंट मेंबर इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की संख्या जो है आप इंक्रीज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम जब रेजोल्यूशन बनाया था, ठीक है, तो 1945 में सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर तो चलो आज भी 5 ही हैं, लेकिन 1945 में यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, ये सब आपके 5 मेंबर थे, ठीक है, उसके ठीक है 5 मेंबर परमानेंट थे, प्लस 6 जो है वो नॉन परमानेंट थे। ओनली वन टाइम जो है वो मेंबर इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ओनली वन टाइम जो है वो मेंबर इंक्रीज करे गए थे, कब, तो 1965 में, ठीक है, कितने मेंबर कर दिए, 15 मेंबर कर दिए, 5 परमानेंट और 10 जो है वो नॉन परमानेंट, ठीक है। और वोटिंग की बात करिए, देखी तो यहां पर बोला है कि फॉर द पर्पज ऑफ वोटिंग, आर्टिकल 27 में बोला है कि इसको डिवाइड करा गया है 2 पार्ट में। आर्टिकल 27 में कुछ एक प्रोसीजर मैटर दिए गए हैं, जहां पर अफर्मेटिव चाहिए होता है, वोट चाहिए होता है 9 मेंबर का, ठीक है, और अदर देन प्रोसीजर मैटर सब्सटेंटिव मैटर, जहां पर वीटो पावर दी जाती है। जैसे कि वीटो पावर का क्या मतलब है, कि यहाँ मान लीजिए कि ये 15 मेंबर है, ठीक है, 15 मेंबर्स में से यदि आपको रेजोल्यूशन पास करना है तो 9 मेंबर चाहिए, ठीक है, 9 मेंबर चाहिए, और 9 मेंबर्स भी परमानेंट मेंबर प्लस होने चाहिए, परमानेंट मेंबर 5 तो होने ही चाहिए, प्लस 4 अदर मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, और ये परमानेंट मेंबर में से एक भी मेंबर जो है वो नहीं मानता है, एग्री नहीं होता है, तो वो आपकी वैलिड नहीं रहती, ठीक है, तो वो जो है वो इनवैलिड हो जाती है, ठीक है, वो रेजोल्यूशन जो है वो आपका पास ही नहीं होता, ठीक है, तो ये आपकी वीटो पावर। अब वीटो पावर आर्टिकल 27 क्लॉज 3 में वीटो पावर ऑफ ऑन द सब्सटेंटिव मैटर की बात की गई। यहां पर बोला कि यदि आप 5 परमानेंट मेंबर में से, ठीक है, एक भी मेंबर जो है वो इनकार कर देता है, अपनी कंसेंट नहीं देता है, तो ये आपका रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। वन वीटो पावर आर्टिकल 27 क्लॉज 2 में एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ नेचर वेदर द प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर में दी जाती है, सेकेंड वीटो पावर होती है। फिर है आपका इकोसॉक। इकोसॉक जो है वो इकोसॉक में देखो, जैसे कि हमने बात करी सिक्योरिटी काउंसिल की, तो सिर्फ एक ही बार जो है इसके मेंबर इंक्रीज करेंगे, लेकिन हम जब इकोसॉक की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करते हैं, तो इसके 2 टाइम जो है वो 2 टाइम मेंबर जो है इंक्रीज हुए हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल चैप्टर नंबर 10, ठीक है, आर्टिकल 61 से लेकर 72 तक, ठीक है, और 1945 में जो है वो 18 मेंबर थे, 1965 में 27 मेंबर हुए, 1971 में 54 मेंबर हुए, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात कहां पर करी गई है, तो आर्टिकल 86 से लेकर 91 में करी गई, ठीक है।
बात करते हैं आईसीजे की, जो कि एक अदर ऑर्गन है, ठीक है, और मेन ऑर्गन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। आर्टिकल 92 से लेकर 96 में जो है वो बताया गया आईसीजे के बारे में। यहाँ पर 15 जज होने चाहिए, ठीक है, 15 जज में से, ठीक है, और जब भी आपको यहाँ 15 जज होने चाहिए, और कितना टाइम पीरियड रहता है एक जज का, तो 9 ईयर रहता है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि इन 15 जज में से कोई भी मेंबर जो है एक ही कंट्री का, यानी कि एक ही कंट्री, मान लीजिए इंडिया का है, तो इंडिया के दो जज हम अपॉइंट नहीं करेंगे, एक ही करेंगे, ठीक है। तो ऑल्सो इसको मेंबर ऑफ कोर्ट भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर अपॉइंटेड फॉर द 3 ईयर, ठीक है, और मतलब यहाँ आईसीजे के जो मेंबर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो जज होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं 9 ईयर के लिए, ठीक है। और फर्स्ट लेडी जज कौन रही हैं, तो रोजलिन हेगिंस रही हैं, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन कितनी रहती है, तो कंटिन्यूअस ज्यूरिसडिक्शन होती है, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि एडवाइजरी ओपिनियन लेने की भी पावर यहाँ पर है। कंटिन्यूअस ज्यूरिसडिक्शन यानी कि वॉलंटरली ज्यूरिसडिक्शन, जिसको एडहोक ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिक ही क्या बन जाती है और ज्यूरिसडिक्शन हो जाती है। और कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर बताइए, तो आर्टिकल 36 क्लॉज 2 में बताया गया, ठीक है। ऑप्शनल क्लॉज आर्टिकल 36 में बोला गया, ऑप्शनल क्लॉज में प्रोवाइड किया जाता है कि पार्टीज पार्टीज टू अ स्टैट्यू एट एनी टाइम, जो पार्टीज हैं वो डिक्लेयर एनी टाइम डिक्लेयर कर सकती हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज कंपल्सरी इप्सो फैक्टो विदाउट स्पेशल एग्रीमेंट, ठीक है, इन रिलेशन टू एनी अदर स्टेट एक्सेप्टिंग द सम ऑब्लिगेशन, ठीक है। यहाँ पर बोला कि समान दायित्व को स्वीकार करने वाले किसी अन्य राज्य के संबंध में अनिवार्य रूप से मानते हैं, ठीक है। सेक्रेटरीट के बारे में कहाँ पर बताया गया, तो आर्टिकल 97 से लेकर 101 तक बताया गया, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारे यूनाइटेड नेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो यहाँ पर कम समाप्त रहते हैं। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने वहां पर इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जब कंप्लीट डिस्कस किया था, तो हमने सब कुछ डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि यदि कभी भी इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी डिस्प्यूट होता तो उसको पीसफुल तरीके से सेटल किया जाएगा। क्या कुछ मैकेनिज्म है, तो आप नेगोशिएशन कर सकते हो, गुड ऑफिस यानी कि मेडिएशन में जा सकते हो, मेडिएटर अपॉइंट कर सकते हो, कैंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, WTO भी सब कुछ कंप्लीट डिस्कस किया। चलो, और इसी के साथ हमारे सेशन में आज इतना ही था, ठीक है। और ये कुछ केस लॉज भी हैं, एक और सेशन मैं अपलोड करूंगी, तो उसमें केस लॉज भी बताऊंगी। और यदि आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।